बात करते हैं पर्यटन की, क्योंकि दिल्ली ने पर्यटन के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां पर स्पेस इंडिया पर्यटन विभाग की ओर से एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत कर दी गई है और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म में। आपको बता दें, टेलीस्कोप के जरिए आप धरती से अंतरिक्ष में मौजूद तमाम ग्रहों को बारीकी से देख सकते हैं। इसके जरिए टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, अंतरिक्ष को लेकर लोगों की जो दिलचस्पी है और जागरूकता वो भी बढ़ेगी। दिल्ली दर्शन तो आपने खूब किया होगा, लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार आपने देखे होंगे, लेकिन अब दिल्ली में बैठकर आप एक दूसरी दुनिया का भी दीदार कर सकते हैं और धरती से अपने सपनों के चांद तारों को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली ने पर्यटन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। स्पेस इंडिया और पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिल्ली में अब एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म शुरू किया गया है, जिससे टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद चांद सितारों को करीब से देखा जा सकता है। नाइट स्काई सबको प्रोत्साहित करती है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए। इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज प्लैनेट्स दिखाए जाएं। आज हमने मरकरी, वीनस और अभी मून दिखाया है, साथ में हम ओरायन नेबुला दिखाएंगे लोगों को। तो नाइट स्काई से परिचय कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और अभी हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी स्काई में देखा, तो बेसिकली इट्स एन ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं हम यहाँ पे सबके लिए। एस्ट्रोनाइट स्काई का मकसद लोगों को अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। सीरियस वाला स्टार देखा और मैंने कॉन्स्टेलेशंस देखे एंड मैंने प्लैनेट्स भी देखे और मून भी। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने आज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर देखा, प्लैनेट्स देखे, कॉन्स्टेलेशंस देखा, टेलीस्कोप से अदर प्लैनेट्स देखे, सीरियस स्टार्स देखा। पर्यटन के क्षेत्र में एस्ट्रोनाइट स्काई एक नई पहल है जो आने वाले समय में दिल्ली में पर्यटन को एक नया आयाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।